मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आते ही भाजपा और कांग्रेस में चुनावी हलचल तेज हो गई है। दोनों ही पार्टियां चुनाव जीतने के लिए मैदान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी के चलते आज रायसेन जिले की उदयपुरा विधानसभा से कांग्रेसी प्रत्याशी देवेंद्र पटेल गढ़रवास के सुपुत्र नरेंद्र पटेल बाबूजी ने ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। देखिए पूरी खबर कमर राणा के साथ। किसानी करते हो तुम, हमें ये बताओगे कि इस समय कांग्रेस आ रही है या भाजपा आ रही है? देख के देखो, कांग्रेस आ रही है। पक्का? पक्का। तो कांग्रेस का कारण आ रही, क्या करो कांग्रेस ने तुम्हारा? कांग्रेस ने जो करो, हमारे यहाँ वोट नहीं है। हाँ, और क्या दिया कांग्रेस ने तुम्हें? कांग्रेस हमें कुछ नहीं दिया। फिर भी वोट दोगे तुम कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस को वोट देंगे। हाँ? हमें जनता वालों ने कुछ नहीं दिया। जनता वालों ने कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। शिवराज जी का नाम तो जानते होगे ना, जो मुख्यमंत्री थे? जानते हैं। उनने तो कई योजनाएं चलाई, बाको लाभ तुम्हें नहीं मिलेगा? नहीं मिला। अच्छा, बात हो रही है कांग्रेस की सरकार इस बार पक्के में आई। कांग्रेस सरकार? हाँ भैया, क्या नाम है आपका? दीपक खजूरिया। दीपक भाई, आप बताएंगे कि कैसा माहौल चल रहा है? माहौल किसके पक्ष में चल रहा है? कांग्रेस का माहौल है पूरे देश में, कांग्रेस का माहौल चल रहा है। लेकिन शिवराज का भी तो चल रहा है भाई। शिवराज का हमें तो समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए, आप पत्रकार हैं। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, शिवराज की कई योजनाएं कई, लेकिन इस विधानसभा में किसी का नहीं चल रहा। अच्छा, सिर्फ कांग्रेस? तो कांग्रेस का क्या देख कर चल रहेगा? आपका मत कहाँ पर? कांग्रेस। कांग्रेस का तो किसको देख कर लिया है? कौन सी उनकी योजना है कुछ बताइए आपका? कमलनाथ की? कमलनाथ जी की अपनी ये कर्ज माफी वाली। अच्छा, क्या नाम तुम्हारा? अंकित स्वामी। तो अंकित भाई बताएं, अपना मन किधर को है? कांग्रेस को। कांग्रेस की तरफ है। आपका भैया? ये यशपाल भाई। तो आप बताएं कैसा माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। उधर पर विधानसभा में कौन देवेंद्र जीत रहा है या नरेंद्र जीत रहा है, कौन जीत रहा है? देवेंद्र जीतेंगे। देवेंद्र के साथ वो चले तो अभी हम जब जैसे भी क्षेत्र में जाते हैं तो खुद मतदाता हमसे ये कहते हैं कि भाई साहब चुनाव आपका नहीं है, चुनाव तो हमारा है। आपने पांच साल में जो संबंध हमारे साथ स्थापित किए हैं, ये जीवंत संबंध है, ये संबंध राजनीतिक नहीं है। जब तक हम लोग रहेंगे, हमारे मतदाताओं से हमारे संबंध रहेंगे और उन्हीं संबंधों के आधार पर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि माननीय विधायक जी जो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, एक बार पुनः पिछली बार से बहुत ज्यादा बड़े अंतर से एक बार पुनः जीत करके आएंगे और इस क्षेत्र में अपना परचम लहराएंगे। आपका नाम? वीरेन सिंह राजपूत। वीरेन भाई, हमें आप बताएं कि माहौल किस तरह का चल रहा है, कौन आ रहा है? कमल आ रहे हैं या कमलनाथ आ रहे हैं? कमलनाथ आ रहे हैं। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण कमलनाथ जी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शराब के लिए प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बंटवा दी जैसे हर क्षेत्र में दुकानें खुली रहती हैं। सबसे बड़ी गलती उसने यही की है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये की है उसने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि गरीबों पे कभी ध्यान नहीं दिया। अधिकांशतः वो शहरों पे ध्यान देती है। इस गरीब क्षेत्र पर हमेशा कांग्रेस ने ध्यान दिया है। कांग्रेस के जब से विधायक यहाँ बने हैं, और शायद मैं तो ये कहूँगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इतिहास में पहली बार कोई विधायक देवेंद्र पटेल जैसा अभी तक नहीं हुआ। इस क्षेत्र से कम से कम उसने देवरी के स्तर पे 1 करोड़ से कम विधायक निधि बांटी है। उस विधायक निधि के माध्यम से हम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हमारी सरकार नहीं है तो हम लोगों का विकास नहीं हुआ। हम लोगों का पिछले 5 साल में अच्छा खासा विकास हुआ है। इसलिए ये क्षेत्र संकल्पित है देवेंद्र पटेल को जिताने में। जय कांग्रेस। आपका नाम है? आपका? कहाँ रहते हैं? कोकरा में रहते हैं जी। माहौल कैसा चल रहा है? अच्छा, कुछ मन की बात तो बताओ। अच्छी चल रही जी। तो आपकी वोटें कहाँ जा रही है, भाजपा में जा रही है कांग्रेस में? बिल्कुल कांग्रेस में। कांग्रेस में? कांग्रेस में। भैया कांग्रेस ने आपको क्या दिया है सर जो कांग्रेस में जा रही है वोटें? बहुत दिया है हमें। क्या दिया बताओ आप? ईमानदार को गए थे हम, जब ले जब गए थे हमें। अच्छा अच्छा, हाँ उन्होंने बनवा ईमानदार। तो आपकी वोट कहाँ जा रही है? भैया था कांग्रेस में। हाँ जी। आपका नाम क्या है? इधर जाओ, इधर बाहर निकल के आओ। डर लग रहा है आपको? नहीं डर नहीं लग रहा जी। क्या नाम है आपका? तुलसी राम जी। क्या करते हैं आप?
कितनी किसानी? थोड़ी सी मुझे बताओ तो आप ये बताओ कि माहौल कैसा चल रहा है इस समय, भाजपा के पक्ष में माहौल है या कांग्रेस के पक्ष में माहौल? कांग्रेस ही है बंधु, कांग्रेस ही मुझे कारण तो बता कचू, कुछ कारण तो होगा कचू, कांग्रेस ने क्या करा है आप? सब जिता रहे हैं बीजेपी से जिता रहे, कांग्रेस कोई नहीं सुनो, भैया ने जो हमारी सुने हैं मंदिर धाम बन गए हम लोग सब कचू हमें और कुछ नहीं चाहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल सिंह। कमल सिंह उइके। कमल भाई आप बताएं कि आंधी कहाँ चल रही है, तूफान कहाँ चल रहा है, कैसा माहौल है, किस तरफ हवा है, बता दो आप कचू। बहुत अच्छी बात बोले। हाँ हुक्म भैया कहाँ गए? 18 वर्षों से 1918 में चुनाव हुआ था, जब देवेंद्र भैया ने ये वादा किए थे हम ग्राम कुकरे में या क्षेत्र में या देश में विकास की गति बढ़ाएंगे, विकास करवाएंगे। अच्छा अच्छा। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के कारण सरकार के चल गए तो गांव पिछड़े हैं, काम नहीं करवा पाए, लेकिन हमारा काम जो पड़ा था अधूरों कुछ वर्षों से ग्राम कुकराय का, वो हमारे ग्रामवासियों के हासिल होगा। तो ग्राम पकड़ा में जैसे नल जल योजना है और लाइट वाइट वगैरह सब है, रोड नहीं है, रोड कुछ नहीं है, रोड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा स्कूल मोड़ मोड़ जा ही नहीं ना, बरखंद जाने को कोई रास्ता नहीं है और ना हमारे देवरी जाने को कोई रास्ता नहीं। तो इस बार किसको जिता रहे हैं आप? इस बार कमलनाथ को जिता रहे हैं। तो कमलनाथ को जिताने के बाद जो रोड बन जाएंगे? बन जाएंगे। अच्छा बस बन जाएंगे।